जनपद संभल की चंदौसी में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों ने अपनी मांगों को लेकर वाणिज्य कर विभाग के डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने आज डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर विभाग के द्वारा ज्ञापन प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजा। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि कोरोना से शहीद हुए व्यापारियों को व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत मुआवजा मिलना चाहिए। राज्य सरकार की ओर से व्यापारी दुर्घटना योजना के अंतर्गत रजिस्टर्ड व्यापारियों की दुर्घटना में हुई मृत्यु पर राज्य सरकार द्वारा 10 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी जाती है। चूंकि ये योजना अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रयासों द्वारा सन 2000 में 1 लाख रुपए से शुरू कराई गई थी, इसलिए व्यापार मंडल मांग करता है कि कोरोना बीमारी अचानक आपदा के रूप में आई है और इसे दुर्घटना मानकर इसकी चपेट में आए व्यापारियों के परिजनों को व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए का मुआवजा राशि दी जाए। व्यापारी समाज हमेशा उत्तर प्रदेश सरकार का आभारी रहेगा और व्यापारी द्वारा भविष्य में भी आपको याद किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में जिला अध्यक्ष प्रेम ग्रोवर, प्रदेश युवा मंत्री शाह आलम मंसूरी, जिला उपाध्यक्ष उमेश भाषणे, सुशील अग्रवाल, अनुज आहूजा, मोहम्मद राशिद मौजूद रहे। आज हमने अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन भेजा है डिप्टी कमिश्नर साहब के माध्यम से। उसमें ये कहा गया है कि इस वक्त कोरोना काल में जो 2019-20 से और अब तक जो व्यापारी कोरोना से एक्सपायर हुए हैं, उनके परिजनों को व्यापारी दुर्घटना योजना के तहत 10 लाख रुपए का मुआवजा राशि मिलनी चाहिए। क्योंकि राज्य सरकार द्वारा 10 लाख रुपए दुर्घटना बीमा योजना के तहत जो रजिस्टर्ड व्यापारी हैं जीएसटी में, उनको दिया जाता है। क्योंकि ये एक आपदा का वक्त है और व्यापारी जो है वो देश की सेवा करता है टैक्स के रूप में, तो इसलिए हमने आज जो है मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंप के ये मांगा। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने उत्तर प्रदेश सरकार व देश की सरकार से ये मांग की है कि कोरोना को एक्सीडेंटल डेथ माना जाए और जो एक्सीडेंटल बीमा उनका होता है रजिस्टर्ड व्यापारियों के लिए जो 10 लाख का होता है, और उसको जो है एक्सीडेंट मान करके कोरोना को भी एक्सीडेंटल में शामिल कर जाए। क्योंकि जब कोरोना लगता है तो कुछ एक दिन के अंदर सुबह एडमिट होता है व्यापारी और शाम को एक्सपायर हो जाता है, तो ये एक्सीडेंटल बहुत नहीं है तो क्या है। यदि सरकार ने व्यापारियों के लिए ये किया तो जिस तरह आज 20 साल बाद भी हम उस योजना को याद कर रहे हैं जिस योजना पर आज 1 लाख से 10 लाख कीमत हो गई, उसकी मुआवजा हो गया, तो उस तरह इतिहास में ये लिखा जाएगा कि उत्तर सरकार ने व्यापारियों के साथ कुछ किया।